नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन दिनों आजम खान से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि रामपुर के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अजय सागर ने जेल में बंद आजम खान के हवाले से एक चिट्ठी जारी की थी। चिट्ठी में आजम खान ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसकी वजह से अखिलेश यादव आजम खान से नाराज है। आखिर इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है, चलिए आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान से नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि रामपुर के समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अजय सागर ने जेल में बंद आजम खान के हवाले से एक चिट्ठी जारी की थी। चिट्ठी में आजम खान ने लिखा था कि वो मौजूद लोकसभा चुनाव को बॉयकॉट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सपा सुप्रीमो इसी चिट्ठी को लेकर आजम खान से नाराज है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के रामपुर के जिला अध्यक्ष ने 26 मार्च को कहा था कि पार्टी की जिला इकाई चाहती थी कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन अब वो चुनाव का बहिष्कार करने पे आमादा है। जिला इकाई के अध्यक्ष अजय सागर और जेल में बंद नेता आजम खान के नाम वाले एक बयान में सत्तारूढ़ बीजेपी पे चुनाव उल्लंघन और सपा नेताओं के खिलाफ ज्यादती का आरोप लगाया गया। हिंदी में लिखे गए पत्र में कहा गया है कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र की इन विशेष परिस्थितियों के कारण अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा था। आजम खान की इस चिट्ठी से अप्रत्यक्ष रूप से संकेत मिलता है कि अखिलेश ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। इसमें कहा गया, इस माहौल और परिस्थितियों में हम वर्तमान चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आजम खान ने लिखा है कि रामपुर के समाजवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं को घोर अत्याचार करके कुचला गया। हमने सोचा था कि रामपुर के इस माहौल को बदलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का रामपुर आना जरूरी है। पिछले दो उपचुनाव में जो कुछ हुआ उसे कौन भूल सकता है। हम जीवन भर झोली फैलाकर नवाबों और बाहुबलियों से लड़कर ही यहाँ तक पहुँचे हैं और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी रामपुर के तमाम लोग और पूरी दुनिया देख रही है। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि इस मामले पे केवल पार्टी प्रमुख ही निर्णय लेगी। बता दें कि पिछले हफ्ते के अंत में अखिलेश यादव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव को लेकर बात करने के लिए सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने गए थे। उसकी इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद ही ये बयान सामने आया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।